हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीके गुरुकुल। क्वालिटी की जो हमारी लूसिन की सीरीज चल रही है, इसमें आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आज के चैप्टर में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए आर्टिकल कौन सा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है आर्टिकल 343 के अंडर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंडर ये डिस्क्राइब किया गया है। और हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। देखो फर्क है दोनों चीज़ों में, ऑफिशियल लैंग्वेज में और नेशनल लैंग्वेज में। अगर ऐसा आ जाए कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज अभी तक हमारी डिक्लेयर नहीं हुई है कि हमारी नेशन की कौन सी लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है वो भाषा जो राष्ट्रीय चीज़ों और राष्ट्र में, पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी ऑफिस में, बड़े ऑफिस में कार्यकाल को करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके साथ साथ में इंग्लिश भी यूज़ की जाती रही है। टिल 1965 ऐसा प्रोविज़न था कि टिल 1965 इसके साथ साथ में हिंदी भी यूज़ की जाएगी, लेकिन हिंदी अभी भी यूज़ की जाती है। इसके रिलेटेड सबसे पहले लैंग्वेज का कमीशन था, वो बैठा था श्री बीजे खेड़ा, इनका कमीशन था। और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक तरह से रिजिडली अपनी जो रिकमेंडेशन थे उनको इम्प्लीमेंट करवाया था। उसके बाद में है लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड लिंक लैंग्वेजेस। आर्टिकल 345 के अंडर ही, ऊपर हमने 343 पढ़ा है, ये है आर्टिकल 345। इसमें कहते हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो स्टेट की वो कौन सी होनी चाहिए, या फिर इंटर स्टेट जो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। देखो ऐसा प्रोविजन है कि जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है ना, वो जो लैंग्वेज चाहे एक या एक से ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकती है। वो हिंदी भी हो सकती है या फिर कोई अदर लैंग्वेज भी हो सकती है जो स्टेट खुद रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसको हम रखेंगे। जैसे पंजाब में पंजाबी होगी या फिर अदर स्टेट में ऐसे ही मराठी हो गई महाराष्ट्र में, तो ऐसे अगर वो चाहें तो अपनी स्टेट में अपनी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, अपनी मदर टंग को भी रख सकते हैं। आगे है कि लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द लॉ। पार्लियामेंट में बाय लॉ ये प्रिस्क्राइब किया था कि इंग्लिश जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए, या हाई कोर्ट में भी इंग्लिश का जो इस्तेमाल किया जाएगा। देखो अब वैसे तो ना पार्लियामेंट में भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो बिल आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो इंग्लिश में ही आएंगे, अदर लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर मेंबर्स चाहें तो उनको अपनी लैंग्वेज में भी वो चीज़ों को, मतलब कि जैसे कोई बिल आना है उसके रिलेटेड जितनी भी उससे पहले रेगुलेशंस आएंगी, तो वो उनको उसके पहले जो भी पेपर दिए जाएंगे उसके बारे में जो डिटेल प्रोविजंस रहेंगी जिसमें, वो उनकी जो अगर वो चाहें तो अपनी मदर टंग में भी उनको दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर ये भाषा मान लो चेंज करनी है तो जो बिल है या फिर इसके रिलेटेड अमेंडमेंट है वो मूव किया जाएगा इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाएगा। ऐसे ही अगर ऑर्डिनेंस पास होता है बाय द प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नर, वो भी ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, उसके जरिए भी ये हो सकता है कि अगर कोई लैंग्वेज को चेंज करना है। उसके बाद में है कि अगर चाहे स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स होती हैं स्टेट के अंडर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो कोर्ट्स होती हैं, उसमें उनको प्रिस्क्रिप्शन दे सकती है, उनको वो ऐसा रेगुलेशन दे सकती है कि एक कि जो बिल आते हैं या फिर जो एक्ट्स आते हैं आपके इसमें क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर लेजिस्लेशन में, ये जो है वो अपनी लैंग्वेज में आने चाहिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में आने चाहिए, ये किसी और भाषा में आने चाहिए, तो ऐसा भी स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है। उसके बाद में आगे है लैंग्वेजेस एडेड इन द 8th शेड्यूल। अब देखो 8th शेड्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। जनरली ना क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 8th शेड्यूल जो है वो किसके किसके साथ में लिंक्ड है या फिर इसमें कौन सी चीज़ें मेंशन है, तो उसमें लैंग्वेजेस आ जाता है। तो इसमें 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, ये आप सारी लैंग्वेजेस एक बार देख लेना, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपीएससी में आने के क्वेश्चन ये कम चांसेस हैं, लेकिन स्टेट एग्जाम कभी पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके बाद में आगे ये बताया हुआ है कि सिंधी लैंग्वेज है वो कब इंसर्ट हुआ था 21st आर्टिकल के अंडर। उसके बाद में नेक्स्ट है, सॉरी ये कहीं का कुछ गड़बड़ हो गया,
उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो कोंकणी लैंग्वेज था वो 71st अमेंडमेंट के अंडर आया था, उसके बाद 92nd अमेंडमेंट के अंडर मैथिली, डोगरी, बोडो ये सब हुई थी। देखो अब इसमें याद क्या रखना है, ऐसे तो याद होगा नहीं, अब सोचोगे कि वेट आप इतना बता रहे हो डिटेल कि सिंधी इसमें आया, कोंकणी इसमें आया, तो याद कैसे रहेगा? आपको ऐसे नहीं याद करना, आपको याद क्या करना है कि जो 21st अमेंडमेंट है, 71st अमेंडमेंट है एंड 92 अमेंडमेंट है, कौन कौन सी 21st, 71 एंड 92 जो अमेंडमेंट्स हैं ये लैंग्वेज के रिलेटेड हैं, मतलब इसके द्वारा लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। अगर आप इतना ही याद रख लोगे ना कि ये खाली लैंग्वेजेस के रिलेटेड है ये जो अमेंडमेंट्स हैं, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्टली ऐसे लैंग्वेज होगा, बाकी कुछ और फालतू डाल देंगे जो गलत होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि 8th शेड्यूल में और कौन सी प्रोविजंस हैं, मतलब कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी और लैंग्वेजेस ऐड हो सकती हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्रोविजंस हैं। उसके लिए देखो ये है कि एक तो उस भाषा का मेंबर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का पार्ट होना, मेंबर होना जरूरी है। दूसरा ये है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करती हो कहीं ना कहीं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये दो प्रोविजंस हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी ऑलरेडी इसको 2015 वाले प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछी थी, प्रीलिम्स में। इसमें देखो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 2014 में एक कैटेगरी, उस कैटेगरी का नाम था क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे भी तो है ना कि जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे, मतलब कि क्लासिकल लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि जो लैंग्वेजेस बहुत पुरानी हैं या फिर उनके जो ग्रंथ अभी हमें मिलते हैं या फिर टेक्स्ट मिलते हैं उनका जो रेलेवेंस मिलता है वो बहुत ही पुराना है, एंशियंट इंडिया के साथ हम लिंक कर सकते हैं, तो ऐसी लैंग्वेजेस को हमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी के अंदर ऐड करने की ज़रूरत है, उनको अलग से एक प्रिविलेज जैसे मिलना चाहिए उन लैंग्वेजेस को, उसके लिए बना दिया क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004। अब इसके बाद में इनको इसको स्टेटस मिला 2006 में, ठीक है, इसको अभी एट प्रेजेंट 2016 ये लिखा है, लेकिन एट प्रेजेंट तक भी इसमें 6 भाषाएं हैं, वो है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कर्नाटका, मलयालम एंड उड़िया। सारी लैंग्वेजेस को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, सारी एकदम जो कंसाइडिंग स्टेट्स हैं साउथ इंडिया की, सारी उसी में उसी की लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है जो लार्जली हम बोल सकते हैं कि पूरे भारत में जो नॉर्थ इंडिया को में से बोल सकते हैं कि ज़्यादा हमें रेलेवेंसी लगती है उसकी, कि ज़्यादा लोग यहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, अगर संगम लिटरेचर में जाएं, तो वहाँ पे संस्कृत के रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं, तो उसका साउथ इंडिया के साथ भी काफ़ी कनेक्शन है, तो संस्कृत को वैसे ही याद रखना ज़रूरी है। सबको पता है कि संस्कृत कितनी पुरानी लैंग्वेज है, तो इसको क्लासिकल लैंग्वेज में ये ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे है नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स में सबसे पहला है नेशनल फ्लैग, जो हमारा भारत का तिरंगा है। आजकल तो स्लोगन भी है हर घर तिरंगा, हमने 75th इंडिपेंडेंस जो है हमारे देश का वो मनाया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये हॉरिजेंटल होता है, 3 कलर में होता है, ये हमें पता है, केसरी एट द टॉप होता है, उसके बाद में क्रीम कलर होता है, फिर उसके बाद में ग्रीन होता है। सबसे ये देखो मेन बात ये याद रखना आपकी, ये लेंथ वगैरह का क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं स्टेट एग्जाम में, इसकी जो विड्थ होती है ना ऐसे होता है ना तिरंगा, सॉरी मेरी डायग्राम काफ़ी पुअर आ रही है यहाँ पे, तो ऐसे होता है देखो तिरंगा, तो इसकी जो विड्थ है इसकी लेंथ के मुकाबले ये 2/3 होती है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये 2 है तो ये 3 है। उसके बाद में ये है कि सेंटर में जो चक्रा होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये जो व्हील है वो पीस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये हमने सारनाथ जो लाइन था कैपिटल ऑफ अशोका का, वहाँ से जो एबेकस है उसके उसी से लिया था, ये जो ऐसे सर्कल होता है, इसकी जो स्पोक्स हैं वो टोटल 24 हैं, स्पोक्स का मतलब होता है ये जो बीच में ऐसे लाइनें खींची होती हैं, ये 24 हैं इसमें। और अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन ये याद रखनी है और कुछ भूल जाए भले, कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया गया था, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी, हो सकता है यूपीएससी ने पूछा भी हो, शायद मेरे ध्यान में नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 24 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद में इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी हैं, कुछ प्रिवेंशन भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्लैग है
उसका हम किसी मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। मान लो कोई बंदा उसको लेके कुछ सफाई करने लग गया, या फिर उसका उसको लेके उसको मतलब टॉर्न करना शुरू हो गया, टू पीसेस में काटना शुरू हो गया, या फिर कुछ कपड़ा बना के स्टिच करके अपने ऊपर पहन के घूम रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं। ये हरियाणा का जो काफ़ी पहले हुआ था वो पेपर, मुझे अभी ध्यान में नहीं कौन सी, आई थिंक 17 या 18 में हरियाणा सिविल सर्विस जो हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ये दोनों आप याद रखना, 1950 प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, अगर इम्प्रॉपरली हम यूज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002, ये 26 जनवरी 2002 से ही इफेक्ट में आया था, और विद ऑल द लॉज, जितने भी इसके रिलेटेड लॉज बने हैं उसके साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो सबसे पहले इसको अनफ्लरिंग जो किया गया था, होस्ट किया गया था। देखो इसको जो अनफ्लरिंग करने का है ना, होस्ट करने का है, ये भी फंडामेंटल राइट है, पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद ध्यान में रखना आप। कभी पूछा जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 19 1 ए कि तिरंगे को लहराना ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, दैट टू अंडर आर्टिकल 19। तो हम तो ऐसे गलत ही कर देंगे कि नहीं, मतलब हमने भी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये याद रखना है। सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग था उसकी जो फ्लरिंग हुई थी, सबसे पहले जो होस्ट किया गया था वो मिडनाइट 14 अगस्त 1947 को किया गया था। उसके बाद है स्टेट एम्बलम। स्टेट एम्बलम मतलब कि जो हमारा राष्ट्रीय एक चिन्ह होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट एम्बलम। चिन्ह कौन सा है वो तो हमें सबको पता है, अभी रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया है हमने, जो हमारा न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था बाय पीएम मोदी जी, तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। ये है, चार लाइन होते हैं, ठीक है, ये सारनाथ लाइन से जो कैपिटल ऑफ अशोका है वहां से हमने लिया है। फोर लाइन होते हैं, शेर होते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग में एक बैक होता है वो दिखाई नहीं देता, हमेशा तीन रहते हैं, ठीक है। और ये एबेकस के ऊपर होते हैं। एबेकस क्या है, अभी आपको एक फिगर देखना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। एबेकस ऐसे होता है कि ऐसे करके इसके ऊपर फिर शेर बने होते हैं, इसके ऊपर फिर शेर ऐसे करके बैठे होते हैं, एक इस साइड फेस करके बैठा होता है, एक इस साइड, ये जो है ना जिसके ऊपर बैठे होते हैं इसको बोलते हैं एबेकस, ठीक है, ये एबेकस होता है। उसके बाद में इसके नीचे जो जो और चार सिंबल्स एनिमल्स होते हैं वो होते हैं एलिफेंट, गॉल्पिंग हॉर्स मतलब भागता हुआ घोड़ा, बुल, लाइन, ठीक है, और इनको सेपरेट किया जाता है बाय व्हील। इसके बीच में एक व्हील होता है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे बीच में छोटा सा व्हील। कभी आप देखोगे अभी नेशनल सिंबल को, हमारे स्टेट एम्बलम को, चिन्ह को, तो आपको भी ध्यान से देखना। फिर वेल शेप्ड लोटस होता है इसके नीचे, जो ऐसे इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके लोटस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा गलत बन गया, वैसे ऐसे होता है, गोल सा होता है। तो ये पूरा जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टेट एम्बलम, इसको हम व्हील ऑफ चक्रा या फिर धर्म चक्रा भी इसको बोला जाता है। आगे आता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया, किया था इसको हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। फ्लैग को हमने कब किया था, फ्लैग को किया था 22 जुलाई 1947 को, और एम्बलम को किया था 26 जनवरी 1950 को। तीन लाइंस विजिबल रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आगे आता है कि जो नीचे लिखा रहता है ना एक बारीक बारीक शब्दों में, वो क्या लिखा होता है, वो लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब क्या, हमने कहाँ से लिया था, जो मुंडका उपनिषद है वहाँ से लिया था हमने, ये यूपीएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी एक बार, जिसका मतलब होता है ट्रुथ लॉन्ग ट्रम्प, मतलब कि हमें विजय तो प्राप्त करनी है लेकिन हमें सच्चाई के साथ प्राप्त करनी है, धोखाधड़ी के साथ नहीं। और ये हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। नेक्स्ट है नेशनल एंथम, जो जनगण मन हम हमेशा छोटे होते असेंबली में करते थे। जनगण मन जो है वो रजिंद्रनाथ टैगोर ने, जो बंगाली थे, उन्होंने ये बंगाली लैंग्वेज में ही लिखा था।
इसको हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। जब ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये अडॉप्ट किया था जनगणमन, उसके 2 दिन बाद ही हमने स्टेट एम्बलम को अडॉप्ट किया था, क्योंकि ये अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 और हमने एम्बलम कब अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। और ये पहली बार कब गाया गया ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी 1911 को कोलकाता सेशन में ये पहली बार गाया गया था, 1911 में, जब इसको जो चेयरमैन थे इस टाइम पे, जो प्रेसिडेंट थे, वो पंडित विशन नारायण दत्त जी थे। इसके 5 स्टैंजा हैं और टोटल इसको 52 सेकेंड्स का टाइम लगता है इसको टोटल सिंग करने में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1912 में इसको सबसे पहले, मतलब उससे पहले गा चुके थे, 1911 में गा लिया गया था, उसके बाद में इसको पब्लिश किया था। तत्वबोधिनी सभा, जो तत्वबोधिनी सभा करके, तत्वबोधिनी इनकी एक पब्लिश करते थे ये, जिसमें आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, एक इनकी पब्लिकेशन आती थी, उसमें इन्होंने पब्लिश किया था अंडर द टाइटल भारत भाग्य विवाद था। और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश में, सॉरी, 1919 में। और इसको नाम दिया गया ट्रांसलेशन के बाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद में देखो, ये जो म्यूजिक का कॉम्पोजिशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी ने किया था, ये बताया हुआ है। आगे क्या हमने देख लिया कि 52 सेकेंड में इसको हम टोटल गाया जाता है। अगर हमने पहला और आखिरी लाइन स्टैंडर्ड्स की गानी है टोटल, तो वो 20 सेकेंड में ही हम गा सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, ये संस्कृत में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ में, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का था। ये यूपीएससी भी पूछ चुका है कि आनंद मठ किसका था, ये स्टेट एग्जाम भी पूछ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये घिसा पिटा बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चों को फिर भी ना आने वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। ये आता है एग्जाम में, ठीक है, कि आनंद मठ जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसी में ही वंदे मातरम था। अभी क्वेश्चन शायद स्टेट वाले ऐसा ना पूछें कि बंकिम कि आनंद मठ किसका लिखा हुआ है, अभी शायद ये पूछे कि वंदे मातरम किसका लिखा है या फिर कौन सी बुक में दर्ज है, क्योंकि अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ये तो सबको पता चल चुकी है ये बात अब तक, ठीक है। उसके बाद है कि ये इसका इक्वल स्टेटस है विद जनगणमन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनगणमन जो है वो ज़्यादा यू नो पहले एक नंबर पे आता है, उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट या फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का इक्वल स्टेटस है, जनगणमन का भी और हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग का ही। और ये पहली बार कब गाया गया, ये जनगणमन से भी पहले गाया गया, जनगणमन गाया गया था 1911 में कोलकाता सेशन में, और ये गाया गया था 1896 में, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था उसका जो सेशन था 1896 वाला, उसमें गाया गया था। और इसको गाने में टोटल इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, उसके साथ ही नेशनल सॉन्ग के साथ ही, नेशनल सॉन्ग भी हमने 24 जनवरी 1950 को ही किया, दोनों एक सा स्टेटस रखते हैं, एक ही दिन इनको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद में इसको टोटल जो टाइम लगता है वो 65 सेकेंड्स का लगता है। और हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन है वो जनगण मन के साथ में बिगिन होता है, और जब कंक्लूड करते हैं पार्लियामेंट का सेशन उसको तब हम वंदे मातरम गाते हैं, मतलब वंदे मातरम के साथ में कंक्लूड किया जाता है, जनगण मन के साथ में शुरू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ गया है नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर जो है वो बेस्ड ऑन साका ईरा है, साका ईरा से जो साका ईरा थी वो कुशन्स डायनेस्टी का था, और कनिष्क इसका रूलर रहा है बहुत फेमस, तो कुशन्स डायनेस्टी से साका ईरा हमने जो कैलेंडर था वो लिया था। इसका जो सबसे पहला महीना है वो चैत्रा है, हमको चेत भी बोल देते हैं, और जो लास्ट वाला है वो भी याद रखना वो फल्गुन है। ये चैत्र पहला महीना है, यूपीएससी पूछ चुकी है इस सवाल को, आई थिंक 16 या 17 में पूछा था यूपीएससी ने, किसी बच्चे को नहीं आता था। ये हैरानी की और शर्मिंदगी की भी बात भी है हमारे लिए, कि हमें अपने खुद के जो एंशियंट कैलेंडर है उसकी मंथ हमें याद नहीं, हमें ये याद नहीं कि वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। खैर, इसका ये जो है फर्स्ट मंथ होता है, उसके बाद में जो नॉर्मल ईयर है इसके भी 365 दिन ही होते हैं, और ये परमानेंटली मतलब कि मैच किया गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ में, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं। ये जो कैलेंडर है हमारा साका ईरा वाला, इसको हमने 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद में जो इंग्लिश कैलेंडर है
ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, इसके हिसाब से ये क्यों अडॉप्ट किया गया, इसका पर्पज़ क्या है कि जो गैजेट ऑफ इंडिया है या फिर जो भी ऑल इंडिया रेडियो होता है या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, निकालती है, अपना कैलेंडर तैयार करती है। और ये परमानेंटली कॉरस्पॉन्डेंट है, सिंक्रोनाइज्ड है इंग्लिश और साका इरा दोनों कैलेंडर्स आपस में। और जो फर्स्ट चैत्रा है वो फॉल करता है ऑन 22 मार्च, ये पक्का ही है कि फर्स्ट चैत्रा 22 मार्च को ही आएगा, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब फिर ये एक दिन पीछे हो जाता है, मतलब कि 21 आगे हो जाता है, 21 मार्च हो जाता है। उसके बाद में नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी यूपीएससी पूछ चुकी है, 2-3 बार पूछ चुकी है, एक बार नहीं, लेकिन अभी दोबारा यूपीएससी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं पूछेगी, घुमा देगी क्वेश्चन ये ज़रूर है, लेकिन स्टेट ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये है हमारी गैंगटिक डॉल्फिन, ये ध्यान में रखना है। बाकी नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, ट्री जो है हमारा बनियन ट्री है, फ्लावर लोटस है हमें पता ही है, बर्ड जो है पीकॉक है, ये सारे इंग्लिश नाम दिए हुए हैं साइड में, ये देख लेना। कुछ कुछ बार कुछ सटके हुए दिमाग के लोग पेपर सेट करते हैं तो वो इंग्लिश नाम भी पूछ लेते हैं जानबूझ। तो यहाँ तक हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, आगे के सेशन में हम जब सम इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेंगे, और जब फिर सम इम्पॉर्टेंट कमीशंस एंड कमेटीज कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, ठीक है अब थोड़ा ही रह गया, इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, तो आज आगे के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी के लेक्चर में इतना है, थैंक यू सो मच।